दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम के लगातार सीरीज जीतने की परंपरा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप करते हुए भारत ने इतिहास रच दिया, जहां हार के बाद वेस्टइंडीज दिग्गजों ने जिम्बाब्वे का मजाक उड़ाते हुए अटपटा बयान जारी किया, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आखिरकार वेस्टइंडीज दिग्गजों ने भारत की जीत पर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, क्रिस गेल और केएल राहुल में से कौन है बेहतरीन सलामी बल्ले? आज अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीम इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां भारतीय टीम लगातार तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है और वनडे सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम को हराकर और उन्हें क्लीन स्वीप भी किया, तो वहीं इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम को भी सीरीज में हराकर क्लीन स्वीप कर दिया, जहां भारत के कप्तान केएल राहुल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पहला मुकाबला 10 विकेट से सबसे बड़े अंतर के साथ जीता, तो वहीं दूसरा मुकाबला 5 विकेट से जीता। लेकिन अंतिम मुकाबला बहुत ही रोमांचक तरीके से जीता और इन तीनों मुकाबलों को जीतते हुए 3-0 से भारी बढ़त बनाई। और ऐसे में भारतीय टीम की लगातार जीत और क्लीन स्वीप को देख एशिया कप की प्रबल जीत की दावेदार भारतीय टीम ही मानी जा रही है। लेकिन ऐसे में जिम्बाब्वे की टीम की हार के बाद वेस्टइंडीज दिग्गजों ने बहुत ही बड़ा बयान जारी कर दिया है, जहां जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद वेस्टइंडीज दिग्गजों की तरफ से क्रिस गेल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोई भी टीम कितना भी बेहतर प्रदर्शन कर ले, लेकिन भारत को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय टीम के पास पता नहीं इस समय क्या जादू किताब है और कि वो कोई भी किसी भी टीम के खिलाफ हद से ज्यादा शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर लेते हैं। ऐसे में भारतीय टीम के सामने कोई भी टीम कमजोर दिखाई दे रही है, चाहे वो इंग्लैंड हो, वेस्टइंडीज हो या जिम्बाब्वे हो। लेकिन अब भारतीय टीम को ज्यादा मुकाबले जीतने को नहीं मिलेंगे, परंतु जितने भी मुकाबले भारत ने जीते वो बहुत ही शानदार जीते हैं और ऐसे में जिम्बाब्वे की टीम को वेस्टइंडीज की तरह हार मिली है। तो वहीं किरण पुलार्ड ने कहा कि भारतीय टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बेहतरीन मिश्रण ने विरोधी टीम को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दिलाई और विरोधी टीम को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और जिम्बाब्वे को दिखा दिया कि जब वेस्टइंडीज की टीम को भारत ने नहीं छोड़ा तो ये तो जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे को तो भारत आराम से हरा देगी। और जिम्बाब्वे का हारना वेस्टइंडीज की हार के बाद लगभग पक्का ही हो गया था और अब वेस्टइंडीज के साथ साथ जिम्बाब्वे को भी हार मिली, जो काफी शर्मनाक थी। तो वहीं ब्रायन लारा ने कहा है कि भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में है, जहां अगर मुकाबले में गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो बल्लेबाजों को और भी ज्यादा साथ देखने को मिलता है, लेकिन अगर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन करते हैं तो गेंदबाज अपनी पूरी काबिलियत मुकाबले में झोंक कर रख देते हैं और ऐसे में भारत का जीतना बहुत ही ज्यादा आवश्यक भी हो जाता है और भारत को हराना भी मुश्किल दिखाई देता है। और ऐसे में भारत वेस्टइंडीज के सामने तो काफी ज्यादा मजबूत पहली नजर में आई थी, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी भारत मजबूत थी, फिर भी भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उन्हें क्लीन स्वीप कर दिया और वेस्टइंडीज जैसा हर्ष जिम्बाब्वे की टीम ने किया। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की जीत का राज क्या है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।